अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। पूरा हिंदुस्तान सोमवार को आजादी की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज की छांव में देश को संबोधित किया। यह प्रधानमंत्री का सबसे लंबा भाषण था। पीएम ने करीब 2 घंटे तक देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लगभग हर मुद्दे को छेड़ा। पीएम ने गरीबी, किसान, आर्थिक सुरक्षा से लेकर पाकिस्तान, आतंकवाद और माओवाद सभी मुद्दों पर अपने विचार रखे। पीएम ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि पेशावर में बच्चों पर हमला होते हैं तो हिंदुस्तान रोता है, लेकिन वो आतंकी घटना पर खुश होते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी से बड़ी कोई आज़ादी नहीं हो सकती। पीएम ने बलूचिस्तान, गिलगित और पीओके के लोगों का भी धन्यवाद भी किया। इससे पहले सोमवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास 7 रेस कोर्स से लाल किला रवाना होने से पहले राजघाट पहुंचे। उन्होंने वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 70वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हाल के समय में हमारी विदेश नीति में काफी सक्रियता दिखाई दी है। देश के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने कमजोर तबके पर अत्याचार के खिलाफ सख्ती से निपटने की जरूरत बताई और कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के बगैर संभव नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी देशों, विशेषकर अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ साझे मूल्य और परस्पर लाभ पर आधारित नए रिश्ते स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी प्रथम नीति से हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि अफ्रीका और एशिया प्रशांत के पारंपरिक साझेदारों के साथ ऐतिहासिक संबंध फिर से सशक्त किए गए हैं। एक और जहां देश 70वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है, वही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया है। इस हमले में 5 जवान घायल हो गए हैं, जबकि मुठभेड़ अभी जारी है। श्रीनगर के नोहटा में हुए आतंकी हमले में अब तक 5 जवान घायल हो गए हैं। अभी तक किसी आतंकी के मारे जाने की खबर नहीं है। एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर है। बताया जाता है कि आतंकी के घर में छिपे हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। दूसरी तरफ उरी सेक्टर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कश्मीर घाटी में भारी उकसावे के बाद भी आतंकवादियों के साथ निपटने में बड़े संयम का परिचय देने के लिए सशस्त्र बलों की प्रशंसा की और सीमा पर चौकसी बनाए रखने तथा अपनी आयुध संपत्तियों को तैयार रखने पर बल दिया। सशस्त्र बलों को पारंपरिक संबोधन में रक्षा मंत्री ने पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर आतंकवादी हमले पर मजबूत एवं साहसी जवाब देने तथा जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम उल्लंघन एवं घुसपैठ की कोशिशों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए उनकी सराहना की। पठानकोट हमले का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, मैं इस हमले को विफल करने में वायुसेना के लड़ाकों और सुरक्षा बलों द्वारा की गई कोशिश की सराहना करता हूँ। मुझे अपने उन 7 बहादुर जवानों की मौत पर गहरा दुख है, जिन्होंने इस हमले का मुकाबला करते हुए राष्ट्र की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। बिहार को संसाधन उपलब्ध नहीं कराने से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद परनगाड़िया को पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि विकास से सपनों को हकीकत में बदलने 2030 तक विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए ये बहुत जरूरी है कि संसाधनों की कमी पर गौर फरमाया जाए, साथ ही बिहार जैसे कम विकसित राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पत्र में बिहार में चल रहे 7 निश्चय का भी जिक्र किया है। उन्होंने सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के बारे में पत्र में विस्तार से चर्चा की है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी की चर्चा भी उन्होंने अपने पत्र में की है। भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को यहां जारी 31वें ओलंपिक खेलों के 9वें दिन रविवार को टेनिस के मिक्स्ड डबल्स इवेंट के प्लेऑफ मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और वे ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने का मौका गंवा बैठे। ओलंपिक टेनिस सेंटर में हुए इस मुकाबले में सानिया और बोपन्ना को चेक गणराज्य की लूसी हादेका और राधिक स्टेफानिक की जोड़ी ने हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 1 घंटा और 11 मिनट तक चले इस मुकाबले में लूसी और राधिक की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे सेटों में 6-1, 7-5 से पराजित किया।
भारत के पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबिक श्रीकांत ने रियो ओलंपिक के 9वें दिन रविवार को पुरुष एकल वर्ग के अपने दूसरे ग्रुप मैच में जीत हासिल करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं भारत की ही पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली को 19-21, 21-15, 21-17 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। श्रीकांत ने ग्रुप एच के अपने मुकाबले में स्वीडन के हेनरी हुरस्काइने को कड़े मुकाबले में 21-6, 21-18 से हराया। हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो बार कांस्य जीत चुकी सिंधु को जीत हासिल करने के लिए 1 घंटा 11 मिनट तक कठिन संघर्ष करना पड़ा। सिंधु ने पहले गेम में ली को कड़ी चुनौती दी और हार मानने से पहले 24 मिनट तक संघर्ष किया। पहला गेम गंवाने के बाद सिंधु ने दूसरे गेम से बेहतरीन वापसी की और 22 मिनट में दूसरा गेम जीत को 1-1 से बराबर कर लिया। तीसरे और निर्णायक गेम में उन्होंने शुरू से दबदबा बनाए रखा और 25 मिनट में जीत हासिल कर ली। तूफान के पर्याय फर्राटा के बादशाह हुसैन बोल्ट ने रियो में अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर की बहुप्रतिष्ठित बहुचर्चित दौड़ में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक में नया इतिहास रचा। बोल्ट ने इस जीत से सुनिश्चित कर दिया कि वह दुनिया के सर्वकालिक महान एथलीटों में से एक है। रियो ओलंपिक में जमैका के बोल्ट ने खचाखच भरे स्टेडियम में 100 मीटर के फाइनल में 9.81 सेकंड का समय निकालकर सोने का तमगा हासिल किया। डोपिंग के दागी अमेरिकी धावक हस्टिन गेटलिन 9.89 सेकंड के साथ दूसरे, जबकि कनाडा के आंद्रे डी ग्रेस 9.91 सेकंड का समय लेकर तीसरे स्थान पर रहे। लेकिन पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वह बोल्ट का था। विश्व और ओलंपिक रिकॉर्ड धारक इस फर्राटा धावक ने अपने प्रशंसकों को निराश भी नहीं किया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। जय हिंद।